इन उत्ते कर दे आई तो फोकस कर दे हेलो गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल हंटेड जोन में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज आज आए हैं हम शमशान घाट में। तो गाइज ये जो रास्ता देख रहे हो आप एक शमशान घाट का रास्ता है। तो यहाँ पे कोई भी लोग आते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसी ब्लैक और एक वाइट शेडो दिखती है तो लोग बोलते हैं उसी के लिए हम यहाँ पे आए, देखने के लिए आए हैं कि वो चीज़ सच में दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती। तो भाई आ जाओ गाइज, काफ़ी ज़्यादा यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं शमशान घाट के अंदर। कि उस साइड में ना हड्डा रोड़ी है जहाँ पे जैसे मरे हुए पशु होते हैं ना उनको वहाँ पे गाड़ते हैं। तो गाइस पूरी कोशिश रहेगी अगर जो भी चीज़ यहाँ पे कोई भी चीज़ दिखाई देती है शमशान घाट में उसको साफ कैप्चर करने की। बड़ा शमशान घाट है। कोशिश करेंगे जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होती है जो भी चीज दिखाई देती है उसको साफ कैप्चर करने की। थोड़ा आगे भी चलेंगे पूरे आपको चीज दिखाएंगे। भाई आसपास चीज देख लेना, जो भी चीज कैप्चर होती है बता देना, ठीक है। भाई देख सकते हो आप, अब ऐसे मत बोल देना कि भाई ये शमशान घाट नहीं है। भाई पूरा साफ दिख रहा है ना? हाँ भाई पूरा साफ दिखाई दे रहा है। गाइस देख सकते हो पूरा शमशान घाट है और पूरा एकदम क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई शमशान घाट नहीं है, ये तो कहीं भी हो सकता है। भाई साथ में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जिसको ऐसा लग रहा है। वहाँ पे चीज़ दिख रही है, जूम करके कुछ नज़र आ रहा है वहाँ पे। इस साइड दिखा दो, कौन है भाई? कुछ एक्टिविटी हुई है पास में? ओ भाई पीछे देखना जहाँ पे रास्ते से हम आए थे। दिख रहा है क्या भाई वहाँ पे? ना जूम नहीं हो रहा, वो एक ब्लैक शेडो से दिख रही है ना, एक वाइट और एक ब्लैक पास में। थोड़ा गौर से देखना पड़ता है यार। भाई कुछ कैप्चर हो रहा है यार। गाइज वहाँ पे ना दो चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ तो कैप्चर हो रहा है। हम बहुत दूर से जूम कर रहे हैं। गाइज काफ़ी दूर से हम उन चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं। हलचल है यार, पता नहीं उस रास्ते पे है जहाँ पे। कपड़े तो नहीं है? कपड़े नहीं है, कपड़े ऐसे टंगा रखे हो? नहीं कपड़े चल रहे हैं भाई, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं वो। और इस साइड में कब्र भी है भाई, पास चल के देखते हैं। दिख रहा है भाई? गाइस साफ कैप्चर हो रहा है, और ये पीछे दिखाना, पीछे गाइस हमको लगा पीछे कोई है और कुत्ते भी भौंक रहे हैं इस साइड से। ओ भाई कहाँ गए भाई?
मुझे तो कपड़े लग रहे थे यार भाई। कपड़े कहाँ पे है अब तो कहाँ गए फिर कपड़े कपड़े होते थे भाई। कोई था, कोई जरूर था यहाँ पे गाइस। वो चीज़ है ना यहाँ पे दिखाई दे रही थी, तो ये शमशान घाट का रास्ता यहाँ से ऐसे निकल के होता जा रहा। सामने इस गेट है और उधर भी एक गेट है जहाँ से हम आए थे, हमने देखा नहीं कि वहाँ पे गेट है। गाइस देख सकते हो आप उधर भी भाई, भाई थोड़ा उधर चलते हैं। भाई मुझे लग रहा है अब कुछ कैप्चर नहीं होगा, कुछ कैप्चर नहीं होगा, अब नहीं होगा कुछ कैप्चर। जो होना था वो एक बार हो चुका है लगता जिस हिसाब से। हाँ या फिर हम दिखाई दे गए होंगे, क्या हम दिखाई दे गए होंगे उनको, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हमने तो पूरी इतनी इतनी दूर से कोशिश की थी कैप्चर करने की। गाइस देख सकते हो आप आसपास जो भी है कब्रें दिखाई दे रही होगी आपको। भाई अजीब सी आवाजें आ रही है चारों तरफ से गाइस, काफी अजीब सी यहाँ से ना अजीब सी आवाजें आ रही। ये तो बहुत आगे तक है भाई, इतना दूर कौन जाएगा अब आगे तक यार। ये तो 1.5-2 किलोमीटर तक फैला हुआ है गाइस। ये ना शमशान घाट काफी ज्यादा बड़ा है, तो इतना तो हम कवर कर नहीं सकते ठीक है। अब आप उनको देखोगे भी नहीं भाई, उस साइड दिखाना भाई। एक तो रेगिस्तान में आसपास कोई रहता भी नहीं है। हाँ गाइस पूरा रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पे आसपास होगा तो यहाँ से सबसे नज़दीक गांव भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा। जो गांव है 5 किलोमीटर दूर ही पड़ेगा भाई, सही बोल रहे हैं एकदम। ओ भाई पूरे आसपास भाई ओके, ऐसा लग रहा है वहाँ पे कोई बैठा है। कैमरे में देखना उसकी समाधि के ऊपर देखो ठीक है, मेरे को लग रहा है वहाँ पे कोई बैठा है वो देखो। भाई मुझे भी ऐसे लग रहा है कोई लेटा हुआ है वहाँ पे। ये पास पास में चल के देख क्या भाई। मैं तो बोल रहा हूँ क्यों रिस्क लेना है यार। गाइस वहाँ पे कोई सोया हुआ है वो देखो। गाइस पूरा एकदम क्लियर कैप्चर हो रहा है, वहाँ पे कोई सोया हुआ है वाइट कपड़े में और समाधि के ऊपर। भाई अनजान लोकेशन पे हमें क्या पता क्या है। हाँ और इस साइड देखना गाइस, हमें ना ऐसा महसूस हो रहा है कि आसपास में ना एक नहीं काफ़ी ज़्यादा ऐसी अजीब चीज़ है, और यहाँ पे ना काफ़ी अजीब जानवरों की आवाज़ें आ रही है इस साइड से। भाई ऐसे रेगिस्तान में मिस्टीरियस जगह बहुत सारी मिल जाएंगी। हाँ गाइस हम इस पूरे रेगिस्तान को कवर तो कर नहीं सकते, बट जितना कवर होता है ना। अब इन कब्रों के ऊपर से तो नहीं जाया जाएगा यार। हाँ तो गाइस पूरा देखो कितनी सारी है, थोड़ा सा आगे चलते हैं ठीक है। गाइस देख सकते हो इनके ऊपर से तो नहीं जाएंगे, यहाँ पे पूरा एरिया है ना पूरा कब्रों से भरा हुआ है। अब यहाँ से इसके आगे तो नहीं जा सकते हम, इसके आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि इनके ऊपर पैर रख के हमको आगे जाना पड़ेगा, और ऊपर से खतरनाक जानवर जो आगे मिलेंगे, और यहाँ पे जो रेगिस्तानी जानवर है सांप, आगे जंगल भी तो आ जाएगा, और आगे पूरा जंगली एरिया है, इंसान तो आसपास भी नहीं दिखते वहाँ। गाइस काफी ज्यादा खतरनाक लोकेशन है यहाँ पे, मैं पहली बार आया हूँ। क्या चीज़ है भाई ये देख सकते हो, इंसान ने तो नहीं बनाया। हाँ इंसान ने ऐसा बना के क्या करेगा, यहाँ कहीं पैरों के निशान भी दिखाई नहीं दे रहे किसी के। और ऐसा लग भी रहा है यहाँ पे कोई आया ही नहीं काफी टाइम से, कोई आता जाता भी नहीं है यहाँ, कोई पैरों के निशान ही नहीं कहीं पर। काफी ज्यादा पुराना शमशान घाट गाइस, समाधि देख के आपको पता लग गया होगा कि कितना पुराना शमशान घाट है, और यहाँ पे कोई आया भी नहीं होगा, और जो शटर है वो भी पूरा टूटा हुआ है। ये तो पूरा गल चुका है यार। हाँ जो मेरे को लगता है इसी कारण ना, इसी गांव के कारण यहाँ पे, गांव तो यहाँ एक नहीं है, गांव तो बहुत है लेकिन दूर है बहुत ज्यादा, बहुत दूर 5-5 किलोमीटर नजदीक से गाँव ही नहीं है। कौन आएगा इनको लेके, पास में बता रहे थे कि काफी टाइम पहले ना एक गाँव था वो पूरा खाली हो गया,
और उसका कारण नहीं पता कि क्या कारण है, किस कारण से पूरा गांव खाली हुआ है। गाइज उसकी भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी उस गांव की, क्योंकि वहां पे लोग बताते हैं कि वहां पे कोई भी जाता है ना, दिन में भी जाता है तो उन्हें खून की बदबू दिख, मतलब ऐसा खून की बदबू का एहसास होता है भाई, खून की बदबू ऐसी स्मेल आती है। भाई हमें तो जो लोकेशन बता देते हैं वहाँ जाना ही पड़ता है। आप कमेंट करते हो, अब आप ये कमेंट कर दो कि भाई उस गांव में जाओ, ठीक है, आपको चैलेंज है, तो आपको वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए हमें उस गांव में भी जाना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई आप उस गांव में जाओ, तो गाइज हम उस गांव में ज़रूर जाएंगे और उस चीज़ को साफ कैप्चर करने की, मतलब जो भी चीज़ होता है वहाँ पर हमारे साथ होता है या कोई भी एक्टिविटी या कोई चीज़ दिखाई देती है उसको साफ कैप्चर करेंगे। बट गाइज यहाँ पे जो शमशान घाट का रास्ता है वहाँ पे हमको दो चीज़ दिखाई दी थी, पर अब वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। अगर मेरे को गाइज एक रियलिटी बात बताऊँ क्या, फेक वीडियो आपको ना यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी, ठीक है सर, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको भूत दिखाएंगे, फिर बाद में वहाँ से भाग जाएंगे। पर गाइज यहाँ पे मेरे को लग रहा है पहले वो दो चीज़ कैप्चर हुई थी, साफ कैप्चर हुई थी, ठीक है, हमें लग रहा था कि कोई कपड़े हैं पर वो कपड़े नहीं थे, वो कपड़ों की तरह उड़ रहे थे, मुझे लगा कपड़े ही हैं। ये एक वाइट यहाँ पेड़ों पेड़ के बांध देते हैं ना, यहाँ पे रेगिस्तान में कब कहीं कहीं खेजड़ी के कपड़े बंधे रहते हैं, वाइट और ब्लैक। तो गाइज अब जो भी चीज़ है आपके सामने है और हम यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई उस गांव में जाओ, उस लोकेशन को पूरा क्लियर करो, हम जाके आएंगे, वहाँ पे जरूर जाएंगे। हमें तो आदत है ऐसी मिस्टीरियस जगह ढूंढने की और देखने की। भाई निकलते हैं अब ना। चलो यार, वो पुरानी लोकेशन कहाँ पे हमें कैप्चर हुआ था कुछ, वो भी लोकेशन वो पुराना रास्ता जहाँ से हम आए थे वहीं से था ना, ये यहाँ पे यहाँ से था गाइज वो चीज़। कहाँ था वो रास्ता, मैं तो भाई भूल चुका हूँ कहाँ था वो रास्ता। यहाँ पे वो चीज़ देखी, इधर से जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे उस इस रास्ते पे देखी थी, यहीं से आए थे ना। एक तो हर जगह कब्रें कब्रें हैं भाई, कि उस ऊपर पैर रखने का मन नहीं करता। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।